भारतीय सेना की 14 पंजाब रेजिमेंट के शहीद नायक गुरचरण सिंह का चौथा बलिदान दिवस शहीद के पिता रिटायर्ड नायक सलविंदर सिंह की अध्यक्षता में गांव हरचुवाल की गुरुद्वारा साहिब में आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवरविंदर सिंह विकी बतौर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इनके अलावा शहीद का पूरा परिवार इस मौके पर उपस्थित रहा। वही भावभीनी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा बैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुंवरविंदर सिंह विकी ने कहा कि शहीद एक सच्चा संत सिपाही होता है, जिसका एक लक्ष्य होता है विजय या वीरगति, और उसी सैन्य धर्म का पालन करते हुए वो वीर सैनिक अपना बलिदान देकर शहीद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट के आरटी न्यूज नेटवर्क। बड़ा मेनू अपने पोते मेनू माण वा, लोकी कोई आखे ना कोई नहीं हैगा, मेनू लोकां दे नहीं गा, मेनू अपने पोते माण वा भी देश दे वास्ते कुर्बानी कीती आ, ओहदे वास्ते योधा मेरा ओ इदां दा पुत मां कोई जम्मे ते फिर दस्से भी मां किदां जम्मदी आ बेटा। कोई मां नूं जिहड़ी मां जम्मदी आ ना बच्चा, ओह जम्मदी आ ते बच्चा भी कोई हुंदा वा कदर वाला, कदर करनी मां प्यो दी करनी किहदी करनी आ। मेरा पुत योधा ही मेरा पुत है, मैनूं ओहदा बिलकुल फिकर नहीं, महाराज ने बूटा लाया वा, मैं निक्के तों वड्डा कर लूंगा, पर मेरा पुत शेर बन गया। भारतीय सेना की 14 पंजाब रेजिमेंट के शहीद नायक गुरचरण सिंह जी का चौथा बलिदान दिवस उनके गांव हरचोवाल में मनाया गया। नायक गुरचरण सिंह एक बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने आज से 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सरहद पर पाक सेना का मुकाबला करते हुए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे योद्धा देश व भारतीय सेना के गौरव हैं। शहीद एक सच्चा संत सिपाही होता है, जिसका एक ही लक्ष्य होता है विजय या वीरगति, और शहीद होना हर एक की किस्मत नहीं होता। वो सैनिक धन्य है जो वतन पर कुर्बान होकर अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। ऐसे में देशवासियों को ये फर्ज बनता है कि इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को भार रखें। लोग कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, हर जख्म को भर देता है, लेकिन शहादत का जख्म ऐसा है कि जैसे ऐसे समय गुजरता है ये जख्म और भी ताजा हो जाता है। सो आओ सभी ये संकल्प करें, सारे देशवासी मिलकर अपनी सहानुभूति के मरहम इन परिवारों के रिश्ते जख्मों पर लगाएं और उनके मनोबल को बढ़ाएं। गुरचरण सिंह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, बुढ़ापे की लाठी था, लेकिन इकलौता बेटा देश पर कुर्बान हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि परिवार किन हालातों में जी रहा है, लेकिन मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी संस्था हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। सो एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को शशत नमन करता हूँ, जिस गांव का नाम गुरचरण के बलिदान से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन इस योद्धा की शहादत के बाद इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजर उठती है वहाँ पे दर्ज हो गया। सो गाँव वासियों के लिए ये गौरव की बात है। सो एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और इस समर वीर के बहादुर माता पिता को शत-शत नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर शहीद परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।